अप्रैल 8 को आईटीसी ने 4% का उछाल लगाया है। Q4 के नंबर आने वाले हैं, आइए चलकर देखते हैं क्या है खुशखबरी। सबसे पहले, क्या यहां पर फंड्स मूव हो रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर से टुवर्ड्स आईटीसी? टेक्निकल वेरिफिकेशन करके बताएंगे। हां देखिए, अगर आप करंट ईयर को देखें तो आईटीसी 20% ऊपर चढ़ गया है, वहीं एचयूएल 8% नीचे गिर गया है। तो म्यूचुअल फंड्स और बड़े बड़े हाउसेस फंड्स मूव कर रहे हैं, यहां पर एचयूएल की वैल्यूएशन भी ज्यादा है और साथ साथ में आगे चलकर रूरल डिमांड कम हो रही है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। लोग बाग कम खाना खा रहे हैं, कम बिस्किट खा रहे हैं, अपने घर में ज्यादा खाना बना रहे हैं, स्पेशली विलेज एरिया में। तो इस वजह से इनकी डिमांड कम हो रही है। और आईटीसी बिजनेस डाइवर्सिफाइड है। देखिए, सिगरेट एक तरह से है, जिसको पीनी है पीनी ही है, चाहे वो 10 रुपए की बजाय कल को 12 रुपए की भी कर दी जाए सिगरेट। तो ये एक चैलेंजिंग पोजिशन है यहां पर एचयूएल के लिए, जिसकी वजह से बड़े बड़े फंड्स हाउस पैसा अब आईटीसी में मूव कर रहे हैं और ये मूवमेंट शुरू हो गया है इसका। देखिए, मोतीलाल ओसवाल की अगर अर्निंग प्रिडिक्शन देखी जाए आईटीसी के लिए, तो इनके हिसाब से जो Q4 की अर्निंग होगी वो नेट प्रॉफिट करीब 4,000 करोड़ का होगा, जिसमें 8% का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट दिखाया जाएगा। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा नेगेटिव है। पिछला क्वार्टर दिवाली की वजह से थोड़ा ज्यादा खुशहाल रहता है, लोग बाग गिफ्ट वगैरह खरीदते हैं, रेडी टू ईट नमकीन अपने दिवाली पर गिफ्ट देने के लिए खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, तो उस वजह से आईटीसी का प्रॉफिट थोड़ा इस बार कम रहा है पिछले क्वार्टर कंपेरिजन में। ये एक सीजनल साइकिल है, तो इस वजह से कोई डरने वाली बात नहीं है। सेल्स जो एक्सपेक्टेड है करीब 4.1% ऊपर चढ़कर रहेगी, यहां पर 13,842 करोड़ की सेल्स रहेगी। देखिए, मार्जिन वही 20 से 25% के बीच में मेंटेन किया हुआ है, जो कि आईटीसी का एक सबसे स्ट्रांग पॉइंट माना जाएगा इस क्वार्टर में भी। एज पर एंटिसिपेशन यहां पर रखा जा रहा है उनका मार्जिन। तो आईटीसी जरूर है, बढ़ना चाहिए। हिंदुस्तान लीवर देखिए, आगे फियर ऑफ स्लो डाउन और साथ साथ में इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से, देखिए पेट्रोल और डीजल जब जब बढ़ता है तब तब महंगाई काम जो कॉमन आदमी होता है, आप और हम जैसे लोग, हमारी कमर तोड़ देती है। और घर का सामान लाने के लिए एक बार जाओ 2,000 का बिल तो ऐसे खत्म होता है जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। यहां पर आईटीसी अभी 20% ऊपर चढ़ा जैसे बताया और एचयूएल 8% गिरा है, ये क्लियर इंडिकेट करता है कि बड़े हाउसेज फंड्स ट्रांसफर कर रहे हैं अपना। आगे आने वाले समय में CAGR जो सिगरेट बिजनेस की है वो करीब करीब 5% रहेगी, तो ये बहुत अच्छी बात है जो कि आगे फर्दर इसको एनहांस कर रही है। होटल बिजनेस जो इनका ऑलमोस्ट शटडाउन हो गया था कोविड की वजह से, अब फिर से चलने गए हैं आईटीसी के होटल्स, और साथ साथ में एग्री कमोडिटी और पेपर बोर्ड बिजनेस भी इनका काफी अच्छा कर रहा है, जिससे उन्होंने अपना डाइवर्सिफाई किया हुआ है, जो आगे चलकर इनकी अर्निंग को 12% CAGR से ग्रोथ दिखाएगा, जिसकी वजह से ब्रोकर ने इसका आईटीसी का टारगेट 450 का रखा है। बहुत अच्छा मोमेंटम है, काफी ऊपर जाएगा हमारे हिसाब से। दिस माइट बी द नेक्स्ट बुल लीडर फॉर इन दिस स्टॉक मार्केट। अब देखिए, यहां पर इन्होंने जो नेट न्यूट्रलिटी ऑफ प्लास्टिक करने का अपना टारगेट रखा था उसको उन्होंने सरपास कर दिया है। उन्होंने मैनेज किया है 54 टन ऑफ प्लास्टिक वेट्स, जो 35 अलग अलग राज्य और यूनियन टेरिटरीज में से लेके आए हैं, उसको नेट न्यूट्रल करने के लिए और भी ज़्यादा पॉजिटिव तरह से उसको रिसाइकिल कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी सफल प्रयास है। नेचर को कुछ ना कुछ आपको देना चाहिए, जब आप इतने 22% का आपका CAGR प्रॉफिट है तो आप इसको नेचर को कुछ ना कुछ फीड करना चाहिए वापस। हमारा व्यू आईटीसी हम शुरू से बहुत बुलिश है, हमने इसको अपने चैनल पर 125-130 के आसपास से रिकमेंड किया हुआ है, चाहे तो आप अभी भी इसको खरीद सकते हैं। आइए जरा चलकर टेक्निकल व्यू देख लेते हैं इसका। तो आज 268 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए, अगर आप इसको देखें तो यहां से 210 से एक यूनिडायरेक्शनल मूव में अप मूवमेंट आया है इस स्टॉक में। बहुत अच्छा मोमेंटम है, एक चैनल बना हुआ है जिसने अपना 52 वीक हाई पहुंच लिया है यहां पर, तो ये हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया है। अगर आप इसको वीकली या फिर मंथली कैंडल पर देखें तो ये बहुत बढ़िया कैंडल बन रहा है। यहां पर देखिए, जब कोविड का सिचुएशन आया था तो 125-130 के आसपास पहुंच गया था, पर उसके बाद से इसने काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है, ऑलमोस्ट अब जाकर ये दुगने से क्रॉस किया है। तो हमारे हिसाब से अब अगला टारगेट इसका जो ये रहेगा वो रहेगा 2017 का हाई 370 के आसपास जाने की उम्मीद रहेगी आईटीसी के लिए। बुलिंजर बैंड अब डायरेक्शन में है, बैंडविड्थ 12 के आसपास है, तो अभी यहां से ऊपर चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है इसको। सुपर ट्रेंड ने बाई सिग्नल जनरेट करके रखा हुआ है 222 के लेवल से, स्टॉप लॉस है 242 का। आरएसआई का लेवल 74 है, तो थोड़ा सा ओवरबोर्ड जोन कह सकते हैं, यहां पर आने की शुरुआत हो जाएगी। मैकडी ने पूरे एक महीने से ज्यादा से इसको बाय सिग्नल जनरेट करके रखा हुआ है, यहां पर 215 ने पहले मैकडी ने बाय सिग्नल जनरेट कर दिया था। तो हमारे हिसाब से ये एक बहुत अच्छी पिक है लॉन्ग टर्म की दृष्टि से। अगर आपको हमारी ट्रेड्स कॉपी करनी है तो हमारा 299 का पैकेज ले सकते हैं। प्लीज कंसल्ट फैशन।